देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुना तो अपन माई के साथ बात करके वो प्लान तैयारी कर रहा। हम हाई तो रहा साथ। जस्ट रिलैक्स। मिश्री? राजीव भैया कहानी कहीं का करता लो। एगो बहुत बड़का विपत्ति आ गया भाई। थैंक यू राकेश। ना ना पुलिस स्टेशन में जाके यदि जरूरत पड़ी तब भी हम तारा के फोन करें, अदरवाइज आई वोंट डिस्टर्ब यू। यप। अरे सुना था आप सर वो लड़का जाए लौका 2 दिन के बाद कोर्ट में प्रवेश करे के होए ओकर व्यवस्था करके रखी और कोनो वकील आएला का ओकरा तरफ से? ना सर। अच्छा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी होते का सबके होई ना और कॉलेज के सामने इनडिसिप्लिन रहेली। डिस्कास्टिंग। सर जे अन्याय कैला सा ओकनी के तरह अरेस्ट ना कइनी ह हमनी के प्रतिवाद कइनी सन त आप उठा के लेनी ह जे झगड़ा कैला सा उ सब कोई छूट गइल बा। हम बढ़िया बात बोल लिए तो हम हो गए क्रिमिनल। ये तो आपके सिस्टम की अवस्था बा सर। ए इतना बड़ मत बोलो ना तो बेल पाइल मुश्किल पड़ जाए तो के। ये सब धमकी देके आप रोक नहीं सकत सर। हम लोग सर हम संदीप के बारे में बात करें यहाँ आयल बनी सर। आपसे बात करी का हम? का आप लॉयर हैं? हम उकर भाई हैं। भाई पहले जान ल तब कुछ करिए बुझला। अभी 2 दिन कोर्ट बंद है। 2 दिन बाद कोर्ट से बिल लेके जाइए। अब भाई बारा तेना जो वकील लेके आ जाइबा। शंकर बाबू रजिस्टर लावा। हमार बात अभी खत्म नहीं के भाई सर। आपके हमारी पूरा बात सुने पड़ी सर। हमके बहुत काम है मालूम है और तोहर बात सुने कितना समय नहीं हमारा पास बुझला। एक्सक्यूज मी आप एगो पब्लिक सर्वेंट हैं सो यू हैव टू लिसन टू मी। हम अगर आपके कुछ कहे के चाहते हैं तो ओकरा के आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम जाने के चाहते नहीं सैंडी के ऊपर कौन एलिगेशन लगल बा। देश में रह के फॉरेन वाला चाल चलता है। हमरा के काय पूछत है जाई अपन भाई के पूछी जाके। सैंडी कौन ऐसा काम कैला कि तारा डायरेक्ट लॉकअप में आवे के पड़ला? एक बार भी दादाजी के बारे में सोचला कि दादाजी का सोचियन जब उनका पता चली ना सोचला। सुबह सुबह तू झूठ बोल के आ गई घर से। भैया भैया हमने के कुछ पैम्पलेट बांटत रहनी है सन। उ कोनो क्राइम ना है। वहां पे कुछ लड़का आके कोगो लड़की के खराब खराब बात बोलत रहला सन। हम जानत नहीं ओकनी के। ओकरा बाद पुलिस ओकनी के ना अरेस्ट करके हमरा के उठा के लेके चलाई। भैया तू तो हमरा के जानत रहा। तारा लागता कि हम कोनो अन्याय काम कर सकता नहीं। मारा मारी हमनी के नहीं कैले सन भैया। हमनी के खाली खुद के डिफेंड करत रहनी है सन। सर हम अपना भाई के ठीक छोड़ा के ले जाएं बट आई एम अफ्रेड कि आपके हमारा और कुछ बात सुने के पड़ी। उ जन कैले बा क्राइम ना है। अपना के डिफेंड कैलना कोनो क्राइम ना है। उ जकरा अगेंस्ट में हाथ पांव चलेले बा ओकरा से बात कराई हमरा के चली। आप का बोलत है बताई तब? आपके बात क्या कानून से चलेला? हम के और के साथे बात ना कर सकेले। बात नहीं की ना कि जकरा साथे मारा मारी भई रहला ओकनी के रहुआ अरेस्ट नहीं कैले। हम जितना जानते नहीं पब्लिक प्लेस पर अगर कोनो क्राइम होता चाहे मारा मारी होता तो दोनों आदमी के सबसे पहले पकड़ के पहले बातचीत हुई केस ना हुई। एकरा केस में ऐसा कुछ नहीं भइल है ना। आप का बोले के चाहते बोली था? आप का सिखाए हमरा के? ना ना आपके काम सिखावल हमार राइट ना है लेकिन हम एगो आदमी के फोन करम जे आपके काम सिखाई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रुद्र बनर्जी। हेलो रुद्र आई एम वेरी सॉरी हमारा फोन करे के पड़ला ना। हम सोचने के पूरा काम स्मूथली हो जाए लेकिन ना भैया। भैया बात करो। हेलो। यस सर, यस सर, अभी के लिए सर। यस सैंडी, घर जाके तारा से कुछ बात करेगा बा। ओके सर, ले ली। शंकर बाबू, उनकरा के जे भी केस वेस के जे भी लफड़ा रहे वो कोनो केस वेस ना हो। हाँ ठीक बा। अरे आप बोलब तो एसपी सर आपके बढ़िया से जाने ले, तो इतना बातें ना हो। ये ना पहचान उचान करावे के चाहिए। जान पहचान बा, ऐसे कोनो बात नहीं के सर। हम अपना भाई के छोड़ावे आई नहीं है, काहे कि वो कोनो अन्याय नहीं के कइले। इनफैक्ट ई काम आप भी कर सकत रहनी है। एनीवे हम कहो कि आप घर ले जा सकता नहीं? अरे जरूर लेके जाइए। अरे तो खड़ा का है बड़ा, उनका के बाहर लेके आवा। कहाँ हो छोटी बहू? कहाँ गईलू? हाँ प्रसाद तला। हाँ माँ, पूजा और रोहित के नाम की पूजा कैले रानी। अच्छा माँ, रिंकी कहाँ गईल बारी बतावा था? मतलब? हाँ, जब हम घर लौट के आई नहीं तो यहाँ क्यों न रहे। एक्चुअली रिंकी था इसे बिना बतले कहीं ना जावेली, यही खातिर मिश्री भी था कारखाना जाए के रहे तब मंगल के बोल के सीट के साथ चल गयी। रिंकी बेटा तो कभी कारखाना में ना जाले, कहाँ गई? ओहे तो हम भी ओहे सोचत रहनी, राजीव आयल रहे पता बा। हे भगवान, तब फिर फोन करा ना। ना फोन तो ना कहीं। अच्छा हम करत बानी, ये तो हर गलती बा। पहले के काम बाद के लिए रख देली और दूसरे काम में लग जालू। आहा पत्नी सब समय फोन ना कैली बढ़िया होला। वो लोग आपन भी एगो दुनिया बाटे। आप चुप रही था। अरे माँ नहीं खे होकर उ लड़की के तो हमरा के ज्यादा ध्यान रखे के चाहिए। छोटी बहू फोन कैलू? हाँ माँ, अभी फोन करत बानी। फोन कहाँ रख देनी हम? अरे काम के वक्त ना कुछ दिखाई ना देत बा। फोन कहाँ रख देनी? ये तो यहाँ बा। माँ हम फोन करत बानी। अरे ई का माँ, मिश्रिता अपन टिफिन भूल गई बाड़ी, देखा सरा। बाबूजी, अच्छा मिश्री कहाँ गई लो बात पता है का आपके? हाँ नहीं क्या गई? अरे पूरा दुकान के ग्राहक सब धरना देके बैठल बा, बोला था कि मिस्री के हाथ के ही मिठाई चाहिए। इका बात हो गई गल कहे ना, हमनियों के तो घर पे रहनी हसन। ओ क्या फुटानी से फुर्सत मिली तब काम करी ना। सामने एगो अनुष्ठान होके वाला बा, कितना मिठाई की व्यवस्था करे वाले दिमाग में बाके हुके। समरेश ई बात तू तो मत बोला, मिस्री तो हर नौकर नहीं है। तू सोम के भी अपन नौकर समझला, ऐसे उ लइकवा देखा अलग अलग रहे लागल बाटे। मिस्री जे भी करेले परिवार और व्यवसाय के बढ़िया के लिए करेले। मिश्री अगर नेखे गल तो मतलब बाटे कि जरूर कोनो विपद पड़ल बाटे। और तो और रिंकी भी तो घर पे नेखे। छोटकी बहू, रिंकी से बात भेल तोहर? ना पापा, फोन तक कट गई। माने फोन कट गई, रिंकी घर पे नेखे? काहे? हम देखता नहीं। स्विच ऑफ? रिंकी का फोन स्विच ऑफ? वो कब गए रहे? दोपहर में, और राजीव भैया रहे ना घर पे। आप एक बार राजीव के फोन करके देखिए ना। आ गए ली सबिया। करे तोरा सब के का बात बताओ तो? कहाँ रहला तू सब? और तू सब एक के साथे बाड़ा? और मिश्री तू आज मिठाई के कारखाना काहे ना गईलू? और तू जाने लू कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तोरा हाथ के मिठाई ना पाके। और उस सब छोरा मिस्री के लेके जाए के का जरूरी रहे सब के आए? अरे चाचा जी, हम ना कल जाके ना सब कुछ संभाल ले। आज हम कुछ भी नहीं कर पाए। नहीं लेकिन का भइल बा तू हमके तो बता बेटा। मिस्री इस तरह से व्यापार ना होला। जौन जिम्मेदारी तू ले बारिश होके कसौ पालन करही के पड़ी तोके। आज का धंधा तो कल ना हो सकेला ना, ई तोके समझे के चाहिए। दादाजी मिश्री के आज आप कुछ मत बोलिए। आज सारा दिन मिश्री या रिंकी यार भैया के बहुत परेशानी भैला आज हमारा खातिर। मतलब का? छोटका भी ऐसे गुनेगार की तरह तो आप बोले ही मत ना, काहे कि आप कोनो क्राइम नेके के लिए है। अरे तू काहे कुछ बोला तारो छोड़ा, अब जो हो गेल से हो गेल जाए तब, अब तो ऐसे मत बोला, हमके अच्छा ना लागेला। अच्छा छोटका बाबूजी, राइटर बाबू की आज पुलिस अरेस्ट के ले रहे। हाँ? ई का बोलत बारे राजीव, अरेस्ट कैले बारे, पुलिस पकड़ ले रहे का? ई का कैले जे? अरे का कैलाश का संदीप? तू ये बात के उत्तर कहे ना देत बड़ा, का केला? तू फेन वो आवारागिरी के चक्कर में तू एगो कांड कैला है ना? का हम जे कहते हो सही है कि ना? तू ऐसे बुझबा ना, अब अगर कुछ कर ले तो तोहार हम नकवा से झाड़ते बम। छोटका बाबूजी रुक रुकी, इतना गुस्सा न मत होई। मतलब ये जे है पुराना कॉलेज के सामने पंपलेट देते रहे वो तो ठीक है, पर और क्यों के तो क्यों अरेस्ट कैले कहे ना? राजीव भैया हमनी के देश में केहू ई सिस्टम ना मानेला, यही से झमेला से हट के चला जाला। इस सिंपल चीज सैंडी समझ ना सकेला। तू आवारागिरी के चक्कर में अपन जिंदगी बर्बाद केले भाई है ना? शर्म ना आवेला? फर्स्ट ईयर तोहर खराब गई है आवारागिरी करे के खातिर, तोहार रिजल्ट खराब भइल और फेनो तू ये करता रहा। भाई साहब हम लड़का के लेके का करब, अब हमरा के बताइब त नहीं। अरे तू अपन भाई के देख के कुछ सीख ना सकेला? छोड़ो तू शांत रह, इतना गुस्सा मत कर। आगे जानता ले का भइल रहे। इधर आओ राजू, तू बता का भाई रहे? वो झगड़ा हो गल रहे, मतलब वो राइटर बाबू के अपन दुश्मन समझ के ओकरे लड़का सब कुछ मिल के राइटर बाबू के दल में घुस के वो कुछ अशांति फैला देले रहले हो। ये उनका रोकले ओकरा सबके, पुलिस दोषी के ना पकड़ के उल्टे इनका पकड़ लेलस। और छोटकी माई मुश्किल बात की है कि काल परसों तक कोर्ट बंद है, मतलब ओकरा अगर आज के दिन बेल करके न लेती तो 2 दिन पुलिस कोर्ट में बितावे के पड़ित। वो तो अच्छा रहे सिद्धार्थ हेल्प के लिए, मतलब सिद्धार्थ के एगो स्कूल के दोस्त बाजे पुलिस में बड़ा पद पर है, ओकरा बोलला पर पुलिस ना अपन केस ले लेलस और इनकरा के छोड़ देलस। सच में अगर कुछ ना कर पाई थी तो फिर क्या होती? तहारी रोल धोल देख के ना हमार माथा और गर्म हो जाए। जितना बार हम ओकरा कहे समझावे की कोशिश केली, तू रोरा बनलू हा। ए कोमू, का हुआ था का? सबके सामने तू कैसे बोला तेरा छोटी बहू से? छोटी बहू रोवा मत, देखा दीपू के तो कुछ भइल ना, लोग के आ गइल, ओकर भैया ओकरा के लेके आ गइल। हमरा के ना कुछ बोले के ना, देखा कितना इंसान के तो दुख पहुँचेले बारा, देखा तने बुझा। अरे चाचा जी और मत डांटी, और कितना डांटी अब सिरर वाला भैया के, अपन मन से तो नहीं के लेना, अच्छा करे खातिर ही खेल डाले। आजकल के दिन में लड़की के सम्मान के खातिर कितना लोग आवाज उठावे ले बताई। ई खातिर तो सिरर वाला भैया के प्रशंसा करे के चाहिए ना। ए, तो क्या बीच में टांग घुसावे के कहला सा? ये हमनी के परिवार का मामला हटे। समरेश, सिद्धार्थ किंतु कुछ दिन पहले ही मिस्री के घर के बहू के हिसाब से स्वीकार कर लेले बाटे। तो घर के बहू होला के नाते अपना देवर के पक्ष में दो बात कही सकेले, ओके केहू रोक ना सकेला। आ छोटू, हमरो बुझाते कि तोर बेटा कोनो अन्याय नहीं कैले। तो बेटा तोहरा के हम भी बता दी है, कहीं सब में शामिल हो जाला, तनी सावधान रहल जरूरी बटे। जाने ला ना दिन काल बढ़िया नहीं खे। जा जा, जोन हो गए सब लोग अपना अपना घर में जा। जा जा जा, तू लोग भी जा सब। बाप रे, राधा माधव आज बचा ले हमनी के। चल भीतर छोटू, इतना गुस्सा ठीक नहीं के। आओ तई बतावा कि हमार बड़का नाती से ही काम के करेला सा हमू तो सुनी। दादाजी आप का कहा था नहीं, सैंडी अगर कोनो प्रॉब्लम में पड़ी तो हम ओकर हेल्प ना करें। आश्चर्यजनक बात बा, लेकिन हाँ, सैंडी रिंकी के बोला कि बात बात में हमारे दोष ना निकाले के। हम जॉन कहे नहीं, एकनी के भलाई खती कहे नहीं। दादाजी हम सवेरे ओकरा के मना कहे नहीं है जाए खातिर, तब वो बात ना सुनला सा हमारा। ओ गोपाल जी, फिर से शुरू हो गए नहीं। इतना गुस्सा करके का जरूरत बा? मानत है कि ई इंसान से एगो छोटा सा भूल हो गइल बा। अरे बाबा, फिर एमे इतना बोले की का जरूरत बा? तो फिर एमे इनकरा के इतना डांटे की का जरूरत बा? बताई दादाजी। हाँ सिर वाला भैया, अभी आप कोनो बात नहीं सुनब, चली खाए खातिर चली। रिंकी दीदी चलिए, आप खाए खातिर चलिए, आप कुछ खले नहीं खाई ना। बड़का जमा बाबू आप भी चलिए हमारा साथे। अगर कुछ देर हमने यहाँ पे रह जाए, और बाद आपके अच्छा पोता यहाँ पर सबके डांटे के शुरू कर दिए। सही करे ना? अच्छा अच्छा, हाँ सही बोला, सही बोला। चलो 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 चली। राइटर बाबू आओ आओ। कहा था नहीं, लड़की के बहुत ज्यादा दिमाग में उठा उतर आप लोग। कहा करी हम तो ही बोलना बेटा, वो तो हमनी के घर के पतो ही है। आ प्यारी पतो के तो सर पे बैठावले जाला नु बेटा। हाँ, तू अपना मेहरारू का अपना शासन में रख सकेला। और लेने की जरूरत। दादाजी अच्छा सुनता है, आज ना राउर बड़की पोती और मिस्री ये दोनों मिलके सिद्धार्थ के ना ताना दे देले रहले। उहे ताना के प्रक्रिया के देख के ना आज वो राइटर बाबू छूट के आइला। रिंकी, मिश्री, तू लोग की कहा जे बोली हम। इतना अच्छा भइल के सीट के तू लोग बना ले और ई हमार बेटा एकदम पागल जैसन हरकत करे, पता ना कब बड़ा बन गया। चाची जी आप ऐसा कैसे बोला थे सीरियल वाला भैया की? हाँ, सब लोग तो सिर्फ आपन ही भला सोचे ले, दोसर के भला कितने लोग सोचे ले। थैंक यू मिश्री। थैंक यू श्री। रियली राजीव भैया। अरे ठीक बा। ना तनी की अगर आज ना रहता लगता, हम ना खाली साहस जुटा के भैया के ही थैंक यू नहीं बोले सकता आज। ना ना, थैंक यू बोले कोनो भी जरूरत ना बा। थैंक यू अगर बोलब तो बोली है। नॉनसेंस। हाँ, जे तू केले बाड़ा ना उस सारा कुछ डिस्गस्टिंग बा, और तुमके थैंक यू बोल रहल बाड़ा। अब बुरा थी। अरे सुनी तो का खाई आप लोग? अब मुझे कुछ बना दिया आप लोगन खातिर, कुछ बना दे। हाँ बड़का बाबू, आप कुछ खाए के बा? हाँ। और अगर केकरो कड़वा चाय पिए के बाद तो बता दी, मिश्री बना दी ओकरा खातिर। मैं यो पूजा खातिर कैसन रही? हम लोग आ गई नी। वेलकम वेलकम वेलकम। ए रोहित, तोहार सासुमा जाने ली ना कि तू पूजा के लेके कॉफी पिए जाता रहा। का बोली सुष्मिता, माँ पिताजी ना जाने नी, तू तो जा ले लू। वो लोग बहुत प्रश्न करिए और छोटी भाभी मैनेज ना कर पाइए। लेकिन सुष्मिता, तोहार दोनों लड़का हमरा के पूछे के चाहिए, हम बहुत करे दोनों खातिर। बोला ठीक कहा तारू। सुना, एकदम मत छोड़िया, बिल्कुल ट्रीट लिया। आंटी, हम ज्यादा टाइम ना लगाए, हम जल्दी टाइम पर आ जाए। आज हम पूजा के लेके जाते हैं, नेक्स्ट डे। अच्छा, हम गाड़ी के चाबी लेके आवत है। अच्छा माँ, माँ भैया के एक्साइटमेंट देख रहल बानी। अब ए पूजा, अंगूठी दिखैले बाड़े सबके। ये देखी माँ, ये अंगूठी भैया पूजा के देले बाड़े। पूजा, तोरा के तो पसंद बना। ये कैसन सवाल बस सुष्मिता? रोहित ओकरा के एगो गिफ्ट देला हा और ओकरा के पसंद ना आई। हमार बहन शर्मा रहल बिया। कहा दीदी? अरे तो सब इतना नर्वस ना करा पूजा के। माई, हम आवत है तब। ठीक बा रोहित, जरा जल्दी आई। हाँ, आंटी वेट करता नहीं। हाँ ठीक बा, आई नो, पक्का। चला पूजा, सासू माँ के बोल के जा। आंटी हम तब जा, जा जा अच्छे से जाइए। हाँ। सरिता बैठा, नंदनी माँ के खातिर एगो कॉफी बनावा। हाँ हाँ, आना तानी ना। आप खातिर हम ना आई नहीं, तू फॉर्मेलिटी करेलू। अरे कॉफी तो पिया ना। सरिता, हमें एगो तोहरा से बात पूछे के चाहत रानी। अच्छा, तू एजा पूजा के शादी करतारू, पूजा से शादी खातिर पूछले रहलू? मतलब वो थोड़ा सा बच्चा जैसन बाड़ी ना, उहे खातिर हम पूछत रानी बस। सुष्मिता, मुझे एगो बात बतावता, शादी हुए बगैर केहू शादी के मतलब समझेला का? हाँ, लेकिन हाँ ये बात भी बा, रिंकी तो बहुते मैच्योर बाड़ी। ठीक कहा तारू, सच्ची रिंकी तो बहुत अच्छा लड़की बा, कितने समझदार बाड़ी। हम तो देखले बानी कि वो अपन बहन के कितना समझावेली और मिस्री के साथ हिम्मत से उहे खड़े रहली। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा बाड़ी, हमरा के बहुत अच्छा लागेली। सरिता पता बा, अगर हमार कोनो और लेका होत ना तो हम रिंकी के साथ शादी करके रिंकी के ही घर के बहू बना लेती। फिर तो बहुत मस्ती होगी ना। खैर उता भी ना हो सकत रहे, पहले पूजा के शादी अच्छा से हो जाए, फिर हमने के रिंकी खातिर लड़का ढूंढे के पड़ी। तब तक तो ओकर ग्रेजुएशन भी हो ही जाई है, तब हमने के रिंकी खातिर ऐसा लड़का ढूंढे के पड़ी जकर के पढ़ाई लिखाई अच्छा लागेला। तो थोड़ा रुकू, पहले रोहित और पूजा के शादी होए दा। सच कहता नहीं सुष्मिता, बहुत बाधा आवता। वाह, देखा हमार फ्रेंड का पोस्ट करत बाड़ी, ओ मालदीव जा रहल बाड़ी। ओके हा, वो हमार डिजिटल फ्रेंड बा। तो तोहरो के इच्छा है तो हम सब तो जेबे करब हनीमून पर। हनीमून में हमने वहाँ कहा है जाइब? हम तो वहाँ जाइब जहाँ बहुत सारा शॉपिंग करल जाई। अरे हमके अलग अलग मॉल के अपडेट देवे के पड़ी ना। हेलो, अरे आप सॉरी। अरे तुम रोहित राइट? यस आदित्य। हाय हाय, चिन्ह गेला? अरे ऑफ कोर्स, कैसे चिन्ह अपना। प्लीज सिट। थैंक यू। देखा, हम तोरा सबके बीच अचानक चलैली, तोरा सबके डिस्टर्ब कैली, बट डोंट वरी, आई मीन बेसी समय ना ले, इट्स ओके। एक्चुअली हम तोरा सबसे माफ़ी चाहते हैं। इनफैक्ट हम वो दिन ट्राई करले रहली पर वहाँ के माहौल ऐसन रहे कि मौका ना मिलल ना, बट काहे। देखा रोहित, हम पूजा के जो परफ्यूम देले रहे हो वो सिर्फ गिफ्ट रहे। हम जात समय सोचले रहली कि वो लेके तोरा सब में इशू हो गेल रहे, वो होए के ना चाहिए। नाना अग्रवाल जी, इट्स ओके, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हमारा सबके। अभी ठीक बा, पर्सनल मैटर रहे, सो ऑल गुड नाउ। अच्छा, होली के बाद से तो के सोशल मीडिया पे देखनी ना हम। ओहो, असल में वो लंडन गेल रहे हम कोनो काम से। ये कुछ दिन में अली है। ए रोहित, एक काम करना, अगर तू लंडन जेब तब हमरा इन्फॉर्म करिया, वहाँ जाकर के सब आदमी मिल के आनंद करवा। पूजा, वहाँ के शॉपिंग करे के दायित्व तो हमारा है। ठीक है, तू सब एंजॉय कर, हम तो आ सके समय बर्बाद के लिए सॉरी। सोचा आदित्य अग्रवाल लंदन में रहे ले, वहां शॉपिंग करे ले। तो और का रोहित, हमारे साथ पता ना ऐसा का है ना भाई। सीरियसली पूजा, देखो सीरियसली पूजा, मतलब तोहर शॉपिंग कल अल्टीमेट आनंद है ये ना। पूजा एक रहा तो क्या और ना देखाता। हम सब तो एक दूसरे के समझा चुकल है, कोनो यदि ऐसे कोनो बा शॉपिंग करे जाला या बाहर घूमे जाला तो का देख के तू अपसेट हो जाए, वो ऐसा कैसे चली। तो हम का करें बतावा, हम भी तो बहुत कुछ सोच के रख ले रही ना। इस सब तो कुछ भी ना भइल हमारे साथ। आई नो पूजा, देखा हमारा पास एगो कंक्लूजन है। तो बोला तू का चाहत हो, तहार खुशी हमार खुशी है, तोहार दुख सबके हम देखब। तू बोला तू का चाहल हम कंपनी के ऑफर ले ली, तो अगर चाहत हो तो हमें कंपनी के ऑफर ले ले। बट पर्सनली हमारे एक एगो समस्या है, हम ही सोच ना पा रहा कि हम इतना दिन विदेश रुक के का करब। बस ये बात, औरो कुछ नहीं किया। और प्लीज रोहित, इस सब बात अभी रहेदा, हमके सब बिल्कुल अच्छा ना लागत बा। बुआ वेट करत हो कि हमने के घर जाके पड़ी, हमने के यहाँ से चले के चाहिए। हाँ मिसेस गंगुली, हाँ हाँ कार्ड साहब आगे बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। ना 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 ना, ये बार का अनुष्ठान हमने के बहुत बड़का करके सोचा था नीजा। हाँ आपके तो जरूर आवही के पड़ी। ओ अच्छा अच्छा, ना ना आती तो बहुत बढ़िया हुई, चेष्टा करके देखिए। ठीक बात, ठीक बात। पापा अब फोन पर जितना लोग के आमंत्रित कर सके नहीं कर दिल बनी हम, बाकी कुरियर के लोग आ जाए तो कार्ड दे के वो लोग के बुलावे के व्यवस्था कर दे हम। इस जिम्मेदारी रिंकी की हटे। रिंकी सोना तालीस तो। अरे हम फिर से भूल गए नहीं। अरे छोड़िए, इतना बात करे से हम कैसे हो पाए बताइए हमके। अच्छा हमरा के कुछ बंच दे दे हम। अरे रुका रुका, हम अपना लिस्ट के तनी से मिला ले तनी। रिंकी तनी लिस्ट के बाहर निकाल दे एक बार, इम्पोर्टेंट गेस्ट लोग के नाम सब एक बार चेक कर लिहल जाओ। यहाँ तो चौधरी के घर, सेन के घर, ई लोग के नाम जेबा। ई लोग किंतु सिद्धेश्वर बाबू के नियमित ग्राहक हुए। और रोहित बोलत रहे कि ओकर एगो दोस्त बाटे उदय, उहो आवे के चाहत बा, शायद ओके भी बोले के पड़ी। हाँ पापा, वो पूजा भी कहत रहे ओकर एगो दोस्त बिया उर्मी। हाँ ठीक ठीक, हाँ उहो शायद आई। ए भूल मत जाए ओकर नाम लिखे से। हाँ एगो और लड़का बाटे, हमेशा हमनी दुकान से मिठाई किनेला, निखिल। हाँ हाँ, ओकर मेहरारू श्यामा गाना गावेले, ओके भी बोले के पड़ी। लिख ले बेटा। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी हो इस साल के अनुष्ठान के तो हम एकदम धूमधाम से मनाई। हे भगवान, अभी रुकी ना आप लोग, हमें को कुछ बात भूल रल बानी अभी। अच्छा अच्छा, एगो और है ना, का नाम बा मुखर्जी घर के, का नाम बा दीपोमान। हाँ 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 हाँ, एक बोलला सिया। अरे हमारा नतनी के दिमाग तो एकदम तेज चला था। दादाजी जे इतना लोग बुलेला बड़ा लोग तनी के घर पे, उ लोग के कैसन टाइप के पानी पियावल जाए, मतलब आई होप मिनरल वाटर पिए के व्यवस्था अवश्य कइल होई, ना तो मामला पिछला बार जैसन क्रियोटिक ना हो जाओ। जवान आज्ञा महाराज, तू जे बात कहता रहा तो हम पानी वाला बात माने के तैयार बने। तो ये साल सबके मिठाई दे देला से काम ना चले, हम चाहता नहीं कि ये साल सबके बैठा के खियाई हम। आज जे विशेष अतिथि लोग आई ओकरा के शाम के उलो के लेके हम एगो बढ़िया अनुष्ठान करब। वो हम राजीव से बात करके सब ठीक कर लेब, तो के चिंता करे की जरूरत नहीं है। इली दादाजी। हाँ। अच्छा, इस साल ये अनुष्ठान के पैकेट में हमनी के सिर्फ मनोहरा देहब जा, हमनी के स्पेशलिटी। का कहता है मिस्री? हाँ हाँ दादा जी, सब लोग बहुत खुश हो रही है मनोहरा खा के। हाँ तब तो पापा 10,000 के करीब मनोहरा लगी। माने वो दुकान में भी तो ग्राहक है कि ना, पूजा में आई लोग, खाए खातिर आई लोग, बैठक में आई लोग, सबके तो कैलेंडर और मिठाई देवे के पड़ी की ना। दिस इज क्रेजी दादाजी। Are you sure आप लोग इतना arrangements कर लें? ए मिस्री, कर सकले ना? कैसे ना कर पाए दादाजी, बिल्कुल कर पाए हम। पापा, अपना घर में ही जीनियस पतो जितना बिजनेस होना काहे, अकेले इतना सारा मनोहरा बना सकले तो? कारखाना के कारीगर के बोले पड़ी आदमी बढ़ावे। ए सोम, अरे सिद्धार्थ, सोम के देखला का ऊपर? सोम भैया, सर तारा के बुलाओ तुरंत। हम चलता नहीं पापा, हम सोम से बात कर लेता नहीं। और कारीगर लोग के सहारा ना लेला से इतना बड़ा अनुष्ठान पूरा ना हो सकेला। अतिथि लोग के सामने इंसल्ट ना होके रिंकी हमें ले जाता नहीं। दादाजी एगो बात बोली हम, आप लोग चिल्लाए नहीं ना? हाँ हाँ बोल ना। बोलत रहने की उजे चाचा जी छेना लेकर आई है ना अपना घर में, उसे छेना अच्छा बन जाई है, उससे मनोहरा अच्छा बनी का बताएं? इतना गेस्ट लोग गई है। अच्छा हमारे गांव में जैसे लकड़ी के आग से बनावत रहले वैसे नहीं बनी का? ठीक, हम बात कर ले हम सोम के साथे। अच्छा दादाजी कहीं का कहत है? सोम, अनुष्ठान में हम लोग जब मिठाई के पैकेट देहब जाना, इस सालों में सिर्फ और सिर्फ मनोहरा ही रही, लेकिन मनोहरा तैयार होके जैसे गांव में मनोहरा तैयार होला वैसा ही। सुन ले ठीक से, तू एगो काम करा, तू सब कारीगर लोग के बोल दा कि आज हम आवता नहीं, सब समझा दे हम, और मिठाई भी जाके दिखा दे, ओकरे हिसाब से काम हुई। आप बोली तो वह हुई दादाजी, हम उनकरा के बोल देते। अच्छा सुना, ताहर काट के हो गए तो दादा हम जात साथ दे देते। हाँ, इली इस सब कुछ हो गए बा, ये आप लेके जा सकत है। दादाजी तनिया आना है ने कहतनी, ये सब करत का बनी आप अपना पुराना वर्कर सन के कहतनी कि जीनियस के ऑर्डर माने के, वो लोग कैसे मानी लो? ना मानी लो तो कैसे चली बोल सिद्धार्थ? देखा मिस्री, भले उम्र में कम बिया तब हूँ, उतना साबित के ले बिया कि ओकर मिठाई के बिक्री ज्यादा होला। हमनी के ही काम में अपना हाथ से साबित करे के पड़ेला, और जे ही कर सकी उहे कर सकेला। मिस्री हर जगह से साबित कर देले बिया उ सर्वश्रेष्ठ हिया। बस वो खाली आपके बात एक बार वो सुन ले खाली, ओके बाद हमू तमाशे देखा बाप के। आपके ये सब बात सोम भैया के बिल्कुल पसंद नहीं है दादाजी। ना होके सच तो आखिर सचे होला ना बेटा, वो तो बोल ही के पड़ी ना। लेकिन राजीव इतना देर कहवा का दिलस, एगो फोन करके देख तो कहाँ बा। सुना दादाजी के थोड़ा समझा के बोला, बेसी उस्तादी करे तू मत जाना, तब खुद भी प्रॉब्लम में पड़बू और सबको के फेंकबू। आप हमके एगो बात बताएं तो बड़का साहब, आप तो बहुत बड़का बड़का काम करत हैं, घर, स्टेडियम, ऑफिस, ये सब कुछ बनावेले। हम तो आपके ऑफिस देख के आइल बाई ना, ठंडा वाला। अरे आप तो अपन तरीका से सबके खुश करे के कोशिश करत है ना हमेशा। ये जे मिश्री बाड़ी ना, ये सिर्फ मिठाई बेचेली हमेशा, लेकिन सबके खुश रखे खातिर अपन तरीका से अच्छा मिठाई बनावे के कोशिश करेली। हाँ ऐसे ही हमहू हमेशा कोशिश करत रहेली। अच्छा काम हमनी देव तो हमने के और ज्यादा बिजनेस बढ़िए में। तारा जॉन ठीक लगा था करा, खाली बड़ा बड़ा बात और नॉनसेंस। ये तो बाकी रह गेल रहे, समझ गए नहीं हम। सॉरी दादा जी, एक्सट्रीमली सॉरी, देरी हो गई लो हमारे भाई के वजह से। ऐसे तो हमरा से पहले तैयार रहेला, लेकिन आज पता न का हो गया, आज हमरा बाद में तैयार भइल, पता नहीं कर का है, तबियत अस्वस्थ लगता है। का भइल हो रोहित बाबू, बताओ तो, लाजवाज लगता न का? ना वो कुछ ना, ओ बस वैसे ही मौसम। आप बोले ना कोनो काम रहे का, हम कह दे। हाँ दीदी, कल कैफे में कुछ भइल रहे का? पूजा पूजा नीचे आवा, रोहित आइल बा। अरे 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 प्लीज प्लीज ओकरा डिस्टर्ब ना करा, हम तो दादाजी के काम से आए हैं। दादा आप बोले ना का काम करी, हम कह देते हैं, बस ऐसे ही कह देते हैं। ना 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 ना, जाने कैसन बेसुरा सुर लगता हमरा के। मिस्री, पूछ तेरा का भइल बा? अब हम अपन कापी किताब लेके आओ तनी, ओमे सब प्लान लिखल बाटे। हाँ प्लान। पूजा, हर चीज के एगो लिमिट हो खेला। का बोले रही तू भैया के? हरे पास का कभी दिमाग उमाग ना आई। अरे बाबा, हम ऐसा का कहनी बतावा था? हम तो बस ये कहनी, आदित्य अग्रवाल के लंदन में घर बा, तू वहाँ शॉपिंग करे ले। हमने तो ऐसा कर पाइब ना, हम तो बस यही कह ले रहनी। हे भगवान, अभी भी यही से बात हो रही बा। अच्छा हमके एगो बात बतावा कि आदित्य अग्रवाल के बात बीच में कहाँ से आ गेल बा? हाँ आयल रहे हो, ऐसे ही अपना आप के दिखावे। ओ पूजा के परफ्यूम दले रहे ना, वो ठीक बा, वो तो वैसे ही लोग एक दूसर के देला, वो के कोनो बात लिखे। देखा मेन कंसर्न ये है कि हमरा लागला ना पूजा के बहुत तकलीफ होला इस बात से। और वो बहुत खराब लगला, हम बुझे ना पा रहे कि हम जो कर रहे वो पूजा के बढ़िया लागी कि ना। देखिए बात कहा, अगर हमें कंपनी के ऑफर अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो हम पर्सनली एकदम खत्म हो जाएंगे। वो छोड़ा, यदि पूजा रियलाइज कर ले कि हम जो डिसीजन ले ले हैं वो बहुत बढ़िया ले ले हैं, एक दूसरे के हित में ले ले हैं, तब कोनो बात नहीं की। ये सब सोच के हमरा क्या अजीब लग रहा है, ये सब से हम तनी अपसेट है और कुछ ना। हमने एगो बात बोली, आप लोग ना अभी सब बात बिल्कुल भी नहीं करी। अभी पूजा होके वाला बात, अनुष्ठान करे की बात, ठीक बा ना? और बात हमने ये सब बात कर ले, ठीक बा? मिस्त्री हमारे पास ज्यादा समय नहीं कि हमके आज ही आंसर देवे के होई। ऑब्वियसली वो लोग और कितना दिन वेट करी। देखा रोहित, यारा अगर कोनो डिसीजन लेवे के बात तो तू लेला, केकरा अच्छा लगी केकरा प्रॉब्लम होई ये सब सोच के कोनो बात नहीं। मतलब ये हम अपन पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता नहीं, दूसरा के सेंटीमेंट लेके सोचबा तो खुद ही प्रॉब्लम में पड़वा। ओ जैसे दादाजी के पोता फंस गेल है में, दादाजी के अच्छा लागे की? यहाँ हमार बात कैसे आई ला? ना हम सोच कर कुछ नहीं काले हैं, लेकिन हाँ पूजा दीदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुई। ओ पूजा दीदी ही आई, एक उंगली पकड़ी था। ए मिस्री, तू का करके चाहत हुई बोला था? ये उंगली पकड़े से समझ में आ जाए कि गोपाल जी का चाहत है। दीदी हम जब कोनो डिसीजन लेके नहीं पावत है ना, तो फिर हम गोपाल जी से डिसीजन ले लेते हैं। एगो उंगली पकड़े से हुई कि गोपाल चाहत है कि पूजा दीदी यही देश में रहे, और दूसरा उंगली पकड़े से गोपाल जी चाहत है कि पूजा दीदी यही पे रहे। बस हो गई, गुड। इतना अच्छा माना जीजू। हाँ, तब तो भगवान ने ठीक करे कि पूजा खातिर का भविष्य। हाँ जय गोपाल, जय गोपाल।